आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दवाइयों की दुकानों पर मरीजों के तीमारदार लगातार चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उनको सारी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। साथ ही संक्रमण को बढ़ता देख लोग दवाइयों का स्टॉक भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के तूफान ने समूचे देश में तबाही मचा रखी है। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दवाइयों की कमी है। लोग लगातार इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे भिया भय समय में भी लोग कालाबाजारी कर पैसे ऐंठने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता देख कुछ लोग दवाइयों का स्टॉक कर रहे हैं, जिसके चलते मार्केट में कोविड-19 से लड़ने वाली सभी दवाएं बाजार से गायब हैं, जिसके चलते मरीज व उनके तीमारदार काफी परेशान है। कुछ शॉर्ट भी है तो दिक्कत हो रही है लेने में। सारी दवाई मोस्टली शॉर्ट ही है जो चाहिए, सब लोग ले लेके बैठ गए हैं और जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल रही है। अरे अभी का ही काम हो जाए वो ही बहुत है, स्टॉक तो बहुत दूर की बात है, अभी का ही काम नहीं हो पा रहा है। सुबह के लिए दवाई चाहिए वो भी नहीं है अभी, और 3 चक्कर लगा दिया अभी तक नहीं मिल रही है। दवा लेने के लिए नॉर्मल जो दवाइयाँ रहती है, लेकिन पॉजिटिव की दवाई नहीं है, खाली जो प्रिकॉशन के लिए रहती है ना, जिंक की या विटामिन सी, ये सब हमारे डॉक्टर ने बोला तो वो लेके आए। ये तो बहुत बुरी बात है, इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल पा रही है। अभी हम लोग को ही 2-3 बार चक्कर लगाना पड़ता है किसी भी दवाई के लिए, और घर में भी अगर किसी को चाहिए जिसको अभी कोविड पॉजिटिव आए थे उनको भी रेमडेसिविर मिला ही नहीं, पूरा डोज ही नहीं हुआ, तो क्या मतलब हुआ ऐसे करने का। प्रशासन क्या बोलता है ये तो पता नहीं, पर यहाँ पे आम लोगों की हालत देखे हॉस्पिटल में जाके तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कमी है। जितना वो सफ़र कर रहे हैं, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, कुछ ना कुछ बुरी घटना हो ही रही है। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको खाने के लिए चाहिए, वो भी क्या करें, बाहर निकलना ही पड़ेगा खाने के लिए, सब्ज़ी के लिए, राशन के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। तो या तो पूरी तरह से लगा दें 1 हफ्ता के लिए, 10 दिन के लिए, या फिर पूरी तरह से खोल दें, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। दरअसल मेडिकल स्टोर पर दवाइयां लेने आए ग्राहकों का कहना था कि वायरल से संबंधित दवाइयां डॉक्टर्स की सलाह से ले रहे हैं, जिसमें मल्टी विटामिन के साथ विटामिन सी, जिंक जैसी दवाइयां आदि हैं। इस दौरान जरूरतमंदों के द्वारा दवाइयों का स्टॉक करने वालों से स्टॉक ना करने की अपील भी की गई है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।